साइंस क्लास में आपका स्वागत है। वे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। कल की क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था रक्तदान के बारे में कि रक्तदान क्या होता है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रक्तदान की आवश्यकता। रक्तदान की आवश्यकता के रोगियों में
हीमोफीलिया हीमोफीलिया के रोगियों में हीमोफीलिया के रोगियों में नंबर अगला है दांत कोशिका रक्तता दांत कोशिका अरक्तता दांत कोशिका अरक्तता के रोगियों में ये कुछ कारण है जिनके कारण रक्तदान की आवश्यकता होती है। उन्हें ध्यान दिया चोट लगने या कभी रक्तसाव होने पर किन्हीं कारणों से चोट लग जाती है या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त पसराव हो जाता है और शरीर में रक्तहीनता हो जाती है अर्थात रक्त में कमी आ जाती है। शरीर में होने वाली रक्त की कमी के कारण रक्तदान की आवश्यकता होती है। दूसरा है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर किन्हीं कारणों से जब शरीर में गंभीर रक्तहीनता लगे शरीर में बहुत कम मात्रा में रक्त होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसे रक्तहीनता ही कहते हैं तो उस कंडीशन में भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है शल्य चिकित्सा के दौरान यानी ऑपरेशन के दौरान जब कोई मेजर ऑपरेशन होता है तो ब्लडिंग होती है शरीर से बहुत ज्यादा ब्लडिंग शरीर से रक्त का स्राव होता है उस समय शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी हो जाने के कारण रक्तदान की आवश्यकता होती है। रक्त में बिंबानुगतता की स्थिति में बिंबानु प्लेटलेट्स कणिकाएं होती है जो तीन प्रकार की कणिकाएं हमारे रक्त में पाई जाती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और बिंबानु। इनमें जब बिंबानु की कमी होती है तो बिंबानु की कमी होने पर भी ब्लड डोनेट किया जाता है ब्लड दिया जाता है तो ये स्थिति बिंबानु की अलगता की स्थिति में भी होती है। चौथा है हीमोफीलिया के रोगियों में हीमोफीलिया के रोगियों में ये हीमोफीलिया जो रोग हो जाता है तो हीमोफीलिया का जो रोग होता है उसके रोगियों में भी रक्तदान की आवश्यकता होती है क्योंकि ब्लड केमिस्ट्री होती है। दांत कोशिका अरक्तता के रोगियों में सिकल सेल एनीमिया रोग जो होता है उसमें भी शरीर में रक्त में कमी हो जाती है और रक्त में कमी के कारण किसकी जरूरत पड़ेगी रक्तदान की आवश्यकता होती है। ये है रक्तदान की आवश्यकता। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। मैंने कल आपको बताया था रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो दो पदों में पूर्ण होती है एक तो होती है रक्त संग्रहण और दूसरा होता है आधान। रक्त संग्रहण और आधान के बाद नेक्स्ट है रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होगी रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्न पदों में जो निम्न दो पदों में संपादित होती है नंबर एक निम्न दो पदों में संपादित होती है नंबर एक है रक्त संग्रहण
संग्रहण। नंबर एक है रक्त का संग्रहण और नंबर दो है आधान। आधान हम बात करेंगे नंबर एक पर रक्त संग्रहण। रक्त संग्रहण विद्यार्थियों, रक्त संग्रहण जो प्रक्रिया है, वैसे रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रक्त संग्रहण, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उससे रक्त को लिया जाता है और लेकर उसका संग्रहण करना है। तो किस प्रकार से आप संग्रहण करोगे उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले जो रक्त देने वाला होता है उसे कहते हैं रक्तदाता। रक्तदाता के स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया जाता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है। जब उसके स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाता है तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद एक प्रवेशनी जिसे कैनुला कहते हैं उसे उसके अंदर यानी उसके हाथ में या इस प्रकार से उसे शरीर के अंदर यानी उसके हाथ में जो ब्लड कमेंट जो नसें होती हैं जो धमनी शिरा होती है उनमें उसे डाला जाता है। उसके माध्यम से रक्त को बाहर लिया जाता है। इसके लिए निर्जमीकृत थक्कर होगी थैलियां काम में ली जाती है। निर्जमीकृत जो थैलियां होती हैं थक्कर होगी थैलियां होती है जिनमें रक्त काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसके निर्जमीकृत थक्कर होगी जो थैलियां हैं उन्हें काम में लिया जाता है। इन थैलियों में जब इसको भर लिया जाता है संग्रहण कर लिया जाता है तो संग्रहित जो रक्त है इसे प्रसिद्ध भंडारण किया जाता है। प्रसिद्ध भंडारण मतलब ठंडे जो घर होते हैं या ये कहिएगा रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनमें इसे भंडारण करके रख दिया जाता है, ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है ताकि वो अधिक टेम्परेचर पर रक्त जो होता है वो खराब होने के चांस रहते हैं। इसलिए इसे कम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में रखे रहते हैं ताकि ये थोड़ा अधिक समय तक काम में आ सके। इस प्रकार से प्रसिद्ध भंडारण कर दिया जाता था कि इसमें जीवाणुओं में कोई प्रकार का चयापचय क्रिया ना हो। और इसके बाद जो संग्रहित रक्त होता है उसकी जांच करते हैं। उन जांचों में HIV की जांच है, हेपेटाइटिस की जांच है, HTLV की जांच है। इस प्रकार की कुछ जांचें की जाती है जिससे किसी संक्रामक रोगी का रक्त तो नहीं है। फिर उसे स्वस्थ व्यक्ति जो मरीज होता है जो बीमार होता है जिसको जरूरत होती है कि उसके अंदर डोनेट कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान इसे गुजारा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त संग्रहण। रक्त संग्रहण में जो हमारा टॉपिक है रक्त संग्रहण, इसमें नंबर पहला पॉइंट है रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण। रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाता है अगला नेक्स्ट स्वास्थ्य परीक्षण के बाद स्वास्थ्य परीक्षण के बाद
उपयुक्त क्षमता वाले हैं, उपयुक्त क्षमता वाले हैं, उपयुक्त क्षमता वाली कैनुला से प्रवेशनी कहते हैं, क्षमता वाली प्रवेशनी। प्रवेशनी उपयुक्त क्षमता वाली कैनुला या प्रवेशनी के माध्यम से प्रवेशनी या कैनुला के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जलीकृत निर्जमी विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्कारोधी थैली विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्कारोधी थैली या थैलियों में दाता के रक्त को थक्कारोधी थैलियों में दाता के रक्त को संग्रहित किया जाता है, रक्त को संग्रहित कर दिया जाता है। दाता के रक्त को संग्रहित कर दिया जाता है। नंबर तीन, संग्रहित रक्त का अब क्या करेंगे, प्रसिद्ध भंडारण। दाता का स्वास्थ्य परीक्षण, सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। जब उसका स्वास्थ्य परीक्षण हो जाएगा तो उपयुक्त क्षमता वाली कैनुला या प्रवेशनी को हाथ में लगाकर उसमें निर्जल किया जाता है। कोशिके चयापचय को धीमा किया जाता है। संग्रहित जो रक्त है उसका प्रसिद्ध भंडारण करेंगे, इसलिए करते हैं प्रसिद्ध भंडारण ताकि रक्त में
जो धीमा प्रकृति उसे रोका जा सके और कोशिका चयापचय को भी धीमा किया जा सके। ये कुछ कारण है जिनके कारण रक्त को प्रसिद्ध भंडारण में रखा जाता है, उसका प्रसिद्ध भंडारण किया जाता है। रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका जाएगा तो उसके चयापचय को धीमा किया जाएगा, इसलिए प्रसिद्ध भंडारण किया जाता है।